मैम जो आप ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं वो किस तरह से प्रोसेस करता है थोड़ा ये बताइए। ऑनलाइन ऑर्डर हमारे यहाँ आता है, नोटिफिकेशन हमारे यहाँ आता है। ये बिलिंग काउंटर है सर? हाँ, तो कैसे मैनेज करते हैं? तो एक छोटा सा इंट्रो हो जाए पहले आपका। मैं जितेंद्र कुमार गौरव। थोड़ा सा शॉपिंग एक्सपीरियंस बताएं सर, यहाँ का कैसा लगा आपको? शॉपिंग सारी जगह से मैंने शॉपिंग किया, यहाँ का रेट भी अच्छा है, यहाँ का जो आटा है, गेहूँ है, चावल। आपको पैकिंग का प्रोसेस भी दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक पैकिंग करने के लिए देखिए, जैसे ये मैडम यहाँ पे बिलिंग कर रही हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है। तो ये नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं hellosabziwala.com पे और आपको पूरे स्टोर की विजिट कराएंगे। स्टोर में क्या क्या है, कैसे इन्होंने स्टोर बनाया, सारी चीज़ें आपको स्टोर के अंदर मिलेंगी। अभी हम स्टोर के अंदर लेके चलेंगे जहाँ पे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेक्शन, साथ ही साथ ग्रॉसरी का सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कैसे इन्होंने डिफरेंट टाइप से इस स्टोर को बनाया है आपको देख ही गया होगा। आइए अंदर चलते हैं स्टोर के और देखते हैं कैसे इन्होंने स्टोर को डिज़ाइन किया है। दोस्तों अब अंदर चलेंगे स्टोर के और देखेंगे hellosabziwala.com कैसे इन्होंने स्टोर बनाया। और भैया इन्होंने डेयरी, इसके बाद ग्रॉसरी के बाद फ्रूट्स और यहाँ पे वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में बनाई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। साथ ही साथ इनका जो सॉफ्टवेयर है, लोगो डिज़ाइन और इनका जो टेक्निकल सपोर्ट हमने खुद दिए है। तो अब आके चलते हैं हम अपने प्रिय क्लाइंट जितेंद्र जी के पास और अंदर चलते हैं। भाई पहले स्टोर की विजिटिंग कराएँगे, दिखाएँगे कैसे इन्होंने स्टोर डिज़ाइन किया है। आइए। तो यहाँ पे पहले सेक्शन में हम आते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल का एक स्टोर अलग सेक्शन बना गया है, वेजिटेबल का अलग सेक्शन बनाया है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखो रैक लगे हैं और अलग अलग कैरेट में हर एक वेजिटेबल मिल जाएंगी और उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइस टैगिंग लगाई गई है ना। तो ये वेजिटेबल का सेक्शन अलग बनाया गया है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने लाइट्स की अच्छी कॉम्बिनेशन डाली है और उसके साथ साथ एक AC यहाँ पर लगा है। फॉल सीलिंग भी बहुत ही कूल तरीके से लगाई गई है और ये जो है प्लाई से बनाया गया, मेड बाय हैंड, खुद यहाँ पे इन्होंने अलग से बनाया है। जहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज है, लहसुन है, ठीक है, और वेट मशीन यहाँ पे अलग से रखी हुई है। देखिए ये डिलीवरी के लिए भी जा रहा है, होम डिलीवरी सुविधा भी भैया प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक ये बैग है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भैया ये बैग जो इन्होंने प्रिंट करवाया है ना, ये लिखा है गेट इट ऑन प्ले स्टोर। तो hellosabziwala.com जिस ऐप को हमने बनाया है, अगर आप ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करिएगा हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, है ना। ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं भैया इनके पास, ठीक है। तो अभी ये डिलीवरी के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेजिटेबल का सेक्शन अलग है। अब आपको हम लेके चलेंगे ग्रॉसरी के सेक्शन में। तो हम यहाँ से चलते हैं भैया, दो पार्ट में बहुत ही अच्छे से स्टोर बनाया है। यहाँ ही से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे आपको सोन पापड़ी, बिस्किट और चॉकलेट आइटम, डेयरी प्रोडक्ट कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रिज की बात करें तो भैया फ्रिज यहाँ पे इसका प्राइस की बात करें, मैंने बात की तो 82,000 रुपये तक का ये फ्रिज है। 82,000 रुपये का फ्रिज है और इसमें 2 डोर लगे हुए हैं। ये फर्स्ट है, सेकेंड, दोनों डोर यहाँ पर हैं। डबल डोर का एक फ्रिज है। 82,000 रुपये इसका प्राइस आया है और बहुत ही अच्छा है भाई। हेलो सब्जी वाला यहाँ पे टैगिंग लगी हुई है। 82,000 रुपये का है जिसमें बढ़िया सा ये फ्रिज आपको मिल जाता है, जिसमें आप डबल डोर को यूज़ कर सकते हैं और अपने डेयरी प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं। अब ये तो हो गया अपना फ्रूट्स का एरिया और ये सामने ग्रॉसरी का एरिया दिख रहा है, इधर का फ्रूट का एरिया कहलाता है और सामने ये ग्रॉसरी का एरिया है। और इसके आगे चलते हैं और इसको भी आपको दिखाते हैं। चलते हैं अब अगले सेक्शन जो कि है ग्रॉसरी का। और ग्रॉसरी स्टोर में यहाँ पे अलग सेक्शन सर ने अच्छे से जमाया है। देखिए यहाँ पे रैक लगे हैं। यहाँ पे रैक की बात करें तो 4 सेल्फ के रैक यहाँ पे लगे हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सेंटर रैक है, 2 सेंटर रैक लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके आगे हम चलेंगे तो अच्छी सी प्रोडक्ट की बैचिंग है, प्रोडक्ट्स रखे हैं, है ना। कार्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, राइस के आइटम हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपने स्टोर को तो विजिट कर ही लिया होगा। इसके साथ साथ अभी हम आपको सर से भी थोड़ी बात कराएंगे जिससे आप देख सकते हैं। सर को अभी हम मिलवाएंगे, अभी हम आपको सर से बात कराएंगे जो इनके ऑनर हैं, वो आपको सारी डिटेल्स देंगे। दोस्तों अभी आपको हम एक बिलिंग करके भी दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे कुछ प्रोडक्ट रखे हैं, जैसे हमको बिलिंग करनी होती है तो ये जो प्रोडक्ट है इनको पहले से स्टॉक में ऐड करना पड़ता है। ओके, ये स्टॉक में ऐड है। देखिए जैसे मैडम यहाँ पर बिलिंग कर रही हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है। तो ये बारकोड स्कैनर के थ्रू यहाँ पे इनकी बिलिंग हो चुकी है, सब टोटल यहाँ पे बन गया, ठीक है। और प्रिंट यहाँ से निकल जाएगा जब हम इसको प्रिंट देंगे। तो जैसे ये देखिए एक प्रिंट आ गया है बिल का, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से कंपनी के यहाँ पे लोगो भी आ रहा है और सब टोटल प्राइस सारी चीज़ें ऐसा बिल बन के निकल आता है। हाँ मैम, जो आप ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं वो किस तरह से प्रोसेस करता है, थोड़ा ये बताएं। ऑनलाइन ऑर्डर हमारे यहाँ आता है, नोटिफिकेशन हमारे यहाँ आता है। अच्छा, फिर हम ये एडमिन ओपन करते हैं अपना एडमिन खाता। हाँ, जैसे कि मैंने ये ऑन कर दिया, ओपन कर दिया। यहाँ से हम न्यू ऑर्डर चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ सर शौर्य सिंह का ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा। अच्छा अच्छा जी। तो देखिए यहाँ पे एडमिन खुला हुआ है सिस्टम पे, ठीक है। मैं अभी ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से एडमिन मैं ज़्यादा नहीं शो कर रहा हूँ आपको। तो मैडम ने आपको ऑर्डर की पूरी प्रोसेस बता दी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग थोड़ा प्रमोशन कैसे करते हैं आपका ऐप का? प्रमोशन सर, ऐप की प्रमोशन सर हमारे कस्टमर्स आते हैं, उनसे हम पोलाइटली बात करते हैं, उनको अपने एप्लीकेशन के बारे में सर बताते हैं, इसके बेनिफिट्स बताते हैं कि उनको हम कैसी कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद सर जो डिलीवरी बॉय ऑर्डर्स लेके जाते हैं उनसे भी सर हम फीडबैक मांगते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे ऐप एप्लीकेशन पर सर्विस लें सर, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा बिजी लोग रहते हैं तो उनके लिए हमारी सर्विस बहुत अच्छी है सर। बेनिफिट है उनके लिए, बेनिफिशियल है, इसका फ़ायदा लोग उठा सकते हैं सर बहुत ईजिली। टाइम सेविंग है सर उनके लिए इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो मैं पर डे कितने ऑर्डर आप डिलीवर कर पा रहे हैं इस तरह? पर डे सर ऑर्डर 100-150 तक सर ऑर्डर आ जाता है हमारे यहाँ। तो अभी आप ये ऑर्डर मैनेज कर लेती हैं? जी सर। कितने डिलीवरी बॉय आपके पास? 5 डिलीवरी बॉय हैं हमारे। अच्छा अच्छा, तो 5 लोग मैनेज कर लेते हैं? 5 लोग सर इजिली मैनेज हो जाता है। ओके, कोई फिक्स नहीं रहता, मतलब 2 घंटे के अंदर डिलीवर करते हैं सर। ओके, चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मोस्ट वेलकम सर। आपको पैकिंग का प्रोसेस भी दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक पैकिंग करने के लिए ये बॉक्स यहाँ पे। हाँ अच्छा, ये पैक कर देते हैं ना। इसके बाद मैंने इसे पैक किया और फिर इसके बाद मैं रख मारती इसको। अच्छा, और फिर इसके बाद मैं इसके बाद टैग लगाऊंगी। वेट करने का? वेट करने के बाद वेट करना है, उसके बाद टैग लगाऊंगी। ओके ओके, हो जाएगा। चलिए बढ़िया है। पैकिंग के लिए टैग लगाने के लिए हाँ ये है। ओके ओके, और इसमें पैकिंग इस तरह किया, ये टैगिंग लगा देते हैं ना। हाँ ये टैगिंग ठीक है, ये है बस ऐसी है। ठीक है, सारे प्रोसेस ठीक है। तो इस तरह से ये पैक हो गया है ना। और बॉक्स जो वहाँ पे झोले रखे हुए हैं। हाँ, तो और एक्स्ट्रा वेजिटेबल हम जैसे छोटा है वो तो उसमें हम अपनी रखेंगे, जैसे कोई भी चीज़ बड़ी भी हो तो बड़ी भी रखेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए वो क्वांटिटी के हिसाब से आप झोले यूज़ कर लेते हैं ना, वजन के हिसाब से। हाँ अच्छा, ये इनको कैसे पैक करते हैं? ये भी है इधर की वेजिटेबल, ये भी है सब इसी में पैक करते हैं। जाली भी है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो इसी तरह सब कुछ कार्ड में रख के उसका वेट करके और आप पैक कर देते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। पैकिंग के लिए यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जैसे कि ये एक बहुत बड़े बंडल में ये रखा है, इसको अगर ओपन करते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसमें प्याज आलू वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बैग रखे हुए हैं जो hellosabziwala.com ब्लॉगिंग लोगो लगा हुआ है, पूरी कंपनी की डिटेल है इस झोले में, है ना। और इसके साथ यहाँ पे देखिए ये पर्चे रखे हुए हैं, पम्पलेट हैं ये। आप भी अगर ऐसे पम्पलेट बनाएं आपको कुछ मदद मिलेगी, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर ये टैग लगाने के लिए भाई, ये टैग जो है जैसे वेजिटेबल वगैरह में टैग लगे हैं ना, ये टैग इसमें लगाने के लिए ये भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो सारी सुविधा जो है उपलब्ध है। ये दूसरे तरह के बैग हैं, सब तरह के बैग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो एक बैनर यहाँ पे रखा हुआ है जो कि ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये बैनर भी सर ने बनवाया है, तो इस तरह का बैनर भी आप बनवा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसे कैलेंडर भी आप बनवा के लोगों के घर में दे सकते हैं, ताकि लोगों को पता रहे, लोगों को याद रहे। अपने घर में कैलेंडर तो सभी टंगाते हैं, तो ये इस तरह का कुछ बनवा के कैलेंडर लोगों को बांट दें ताकि वो अपने घर पे रखें और आपकी कंपनी का नाम उनको याद रहे, आपकी कंपनी का नाम उनको रटा रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, पम्पलेट बैनर है ना, अच्छे अच्छे होर्डिंग्स भी हैं। अभी और भी चीज़ें हम पूछेंगे, तो एक छोटा सा इंट्रो हो जाए पहले आपका। मैं जितेंद्र कुमार गौरव, ये यूपी के मऊ ज़िले से बात कर रहा हूँ। और ये मैंने एक छोटा सा स्टोर खोला हुआ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, इसमें लोगों को एक सुविधा है, फ्री ऑफ कास्ट, किसी तरह का चार्ज नहीं है, डिलीवरी हम लोग फ्री में दे रहे हैं। और जो डिस्काउंट है 4% टू अप टू 20% तक का। और ये हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट है कोरोना काल में बैठे बैठे थोड़ा सा डिजाइन किया गया इसको। कैसे प्लानिंग कैसे की थोड़ा सा इसके बारे में? हाँ, ये हम लोगों ने एक कोरोना काल में जब बैठे हुए थे तो वेजिटेबल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी, फ्रूट्स नहीं मिल पा रहे थे, और तो ये सारा चीज़ जो है मन के अंदर आया, तो हम लोगों ने कोशिश किया इसके लिए और इसको डिज़ाइन किया कि नहीं लोगों को जो है असुविधा हो रही है तो उसका एक निदान हम लोग ढूंढे कि नए लोगों तक फ्रेश और अच्छी सब्जियां जो है घर तक पहुंचाया जाए, फल पहुंचाएगा, दूध डेयरी के प्रोडक्ट जो है और ग्रॉसरी के जो है इस चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को होने लाया। और आने वाले समय में इसको जो है बड़ा किया जाएगा और भी स्टोर्स इसके कई डिस्ट्रिक्ट या बाजार और भी इसको ओपन किया जाएगा। जी जी, कस्टमर को अच्छी सेवाएं देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जी। और जहां तक हो सकता है कि जितना हो सकता है डिस्काउंट देने का हम लोग कोशिश करेंगे। थोड़ा शॉप का साइज के बारे में बताएं, लगभग एरिया कितना होगा? ये साइज अप्रॉक्स 1500 स्क्वायर फीट होगा, 1500 स्क्वायर, 1500 स्क्वायर फीट। ओके ओके, 1500 स्क्वायर फीट में एक लमसम अमाउंट बताना चाहें कितना लगा? अमाउंट तो काफ़ी है, एक स्टोर का बस बताएं उसकी, मान लीजिए बिल्डिंग छोड़ के। हाँ, स्टोर 10 लाख, मतलब 10 लाख और 15 लाख के बीच में अप्रॉक्स यही आया होगा, 15 से 20 में। जी, है ना, मतलब पूरा ओपन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्डिंग का जो आपने बनवाया वो अलग है ना? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो थोड़ा सा बिक्री के बारे में बताएं कि सेल्स? नहीं, अभी तो ठीक है, अच्छा है, करीब 60-70 या 100 कह लीजिए कस्टमर विजिट कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन जो है हमारा जो है सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ही लोग परचेज करते हैं, उनको सारी सुविधाएं हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है, कोई चार्ज नहीं, कोई कॉस्ट नहीं है उसका जो है। तो ऑनलाइन के लिए सॉफ्टवेयर का कैसे? सॉफ्टवेयर जो है हमने परचेज किया हुआ है और मिस्टर जयप्रकाश गुप्ता जी, और उनके द्वारा जो काफ़ी उनका सहयोग भी रहा है इसमें और काफ़ी उन लोगों ने हेल्प भी किया है और काफ़ी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। ऐप के द्वारा जो है लोग इसको इसमें परचेजिंग करते हैं, ऑर्डर करते हैं, हम लोग ऑर्डर प्लेस कराते हैं। जी जी, चलिए। तो सामान का कैसे मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह होलसेल? हाँ बिल्कुल, ये बहुत सारे वेंडर हैं, इनके यहाँ से प्रोडक्ट आता है, उनको हम लोग सिस्टम के अंदर जो है फिर परचेज दिखाते हैं, एंट्री करते हैं, फिर इसके बाद। अच्छा अच्छा, तो ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन का यह है कि अभी स्टोर तो जल्दी ओपन हुआ है, बट ठीक है, अच्छा है। और हम लोग बेहतर कोशिश ये करते हैं कि मिनिमम मार्जिन पे हम कम से कम मिनिमम मार्जिन पे काम करना चाहते हैं और ये जो है अच्छी सर्विस देने का कोशिश करते हैं। जैसे एक चना वाली स्टोरी थी ना कि चना बाकी जगह 1 किलो अगर है तो 150 रुपये किलो बिक रहा है। हाँ, तो हाँ ये है, हम लोग कोशिश करते हैं कि अभी कम से कई जगह हम लोगों ने देखा कि मतलब ये एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी हमने आज ही एक विजिट किया बाजार में तो 80 रुपीज़ kg है और हम लोग 75-72 तक उसको उसी प्रोडक्ट को हम लोग बेच रहे हैं। तो मिनिमम मार्जिन पे हम कम मार्जिन पे कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो सर आपने बहुत ही अच्छा स्टोर डिज़ाइन किया है ना, और काफ़ी अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके, है ना। आपने अच्छे से हमारी खातिरदारी की, हम आपके पास आए तो थैंक यू आप सभी लोगों को। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कल हमने बोला भी था कि कमेंट में भाई चीज़ों को डाल देना, तो अभी हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हों, तो ऐसे ही हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। सर ने हमारी अच्छी तरह से खातिरदारी की और स्टोर हमें दिखाया यहाँ पे पूरा, ठीक है। सर का भी काफ़ी योगदान है हमारे पास, सर से भी हम बहुत चीज़ें सीखे हैं। तो सर धन्यवाद, और आप सभी जो भी देख रहे हैं आप सभी लोगों को हार्दिक प्रणाम जो है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आज रिटेल्स में और बहुत यूज़ है हमारे जो है आज बेरोज़गार हैं, छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट करके और धीरे धीरे उसको बड़ा करके एक बड़ा मतलब मार्केट बना सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ई कामर्स प्लेटफॉर्म पे जो आजकल चल रहा है उसको आप आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। तो आप मैम नाम बताइए पहले तो। आप? मेरा नाम प्रीति वर्मा है। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा मैम शॉपिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। शॉपिंग सारे जगह से मैंने शॉपिंग किया। यहाँ का रेट भी अच्छा है, यहाँ का जो आटा है, गेहूँ है, चावल, जो भी सारी सामग्रियाँ यहाँ मिलती है, किचन का हुआ चाहे जो भी चीज़ें हैं यहाँ, ये सब चीज़ अच्छी है। अच्छा। बेस्ट है यहाँ की, और रेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट भी सही है। अच्छा। और यहाँ आके अच्छा, बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करके। सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, क्लीन है। यहाँ के जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनका भी बिहेवियर बहुत अच्छा है। अच्छा। सबसे अच्छा आपको यहाँ पे क्या लगा? शॉपिंग करना अच्छा लगता है यहाँ। यहाँ सब्जियाँ भी हमको ताज़ी मिलती हैं, फल भी मिलते हैं, सब ताज़े मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, कोई खराबी नहीं होती है। ऑनर कैसे हैं? ऑनर भी बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेव भी बहुत अच्छा है। स्टाफ बिहेवियर? हाँ, स्टाफ बिहेवियर भी सबका बहुत ही अच्छा है। चलिए, बढ़िया है। चलिए सर, थोड़ा सा शॉपिंग एक्सपीरियंस बताएं सर, यहाँ का कैसा लगा आपको? जी, सब्जी वाला अपने आप में एक ब्रांड है, और हम लोग जब मऊ में आए और जब से तमाम सारे स्टोर्स हैं, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सब मनभावन लुभावन इधर उधर, लेकिन आप सारे चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा गैप नहीं पड़ता था। अच्छा। लेकिन जब से हम लोग यहाँ आने लगे, सब्जी वाले के आने के बाद, यहाँ कई चीज़ें हमने कई बार परचेज़ करी, क्योंकि मैं अपने घर का सारा सामान खुद खरीदता हूँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि रेट, क्वालिटी, ये लोग एक्सपायरी डेट का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे बहुत सारे जगहों पे हम खरीद के जाते हैं और कोई प्रोडक्ट खरीदे, पता चला कि 15 दिन में एक्सपायर होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक एक चीज़ का ध्यान तो ज़्यादातर दे नहीं सकते, यहाँ ये लोग एकदम बारीकी से हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। यहाँ हम कभी ठगा सा महसूस नहीं करते हैं, और आने के बाद अच्छा लगा, और हम बार बार। अच्छा, सब ऑनर जी का बिहेवियर वो बहुत अच्छा है ना, वो भी बहुत फर्क डालता है। हाँ, एकदम आने के बाद कुछ भी अगर बोल दीजिए कि ऐसे है वैसे है, तुरंत उसकी केयर करते हैं, और अगले दिन से वो अपने रूटीन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर नाम बताएं आपने? मेरा नाम मुकेश सिंह है। जी मुकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।